बताएं, असल सवाल तो चले ये है, ये बताएं फवाद आलम खेलेगा कि नहीं? ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना मासूमाना सवाल। बिल्कुल जैनब के लिए बिल्कुल मौके उतने ही मौजूद हैं जितना बाबर आजम के लिए मौजूद है, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड की सीरीज जब जब ऐसी सीरीज है तो ये इट्स अ टफ सीरीज होगी हम सबके लिए, सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं सबके लिए, क्योंकि हम सब चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जाए वहां पे, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी बैटिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी भी अच्छी हो, और उसके बाद फवाद आलम जैसे प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको मौका भी मिला है, और उससे अच्छी बात क्या है, सिर्फ मौका ना मिले। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि फवाद आलम जिस तरह मेरे सामने उनका डेब्यू हुआ था और मैं उनके साथ क्रीज पे था अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका, और उन्होंने 160 रन किए थे और मेरे सामने ही उनको डेब्यू और मैं कैप्टन था, तो और मेरे ख्याल से वो फवाद आलम की वो इनिंग्स किसी भी डेब्यूटेंट के लिए ओवरसीज सबसे बड़ी इनिंग है बिल्कुल डेब्यू पे पाकिस्तान के लिए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के फवाद आलम सिर्फ खेले ना बल्कि खेले और परफॉर्म करें, और वो परफॉर्मेंस वो करें जो कि पाकिस्तानी टीम के काम आए।